वाह, हमारा आग जो है वो अच्छी तरीके से जल चुका है, चिकन जो है वो रोस्ट हो चुका है, बहुत गर्म है। सबसे पहले हम देंगे भूत को थोड़ा सा खाने के लिए रोस्टेड चिकन लेग पीस। वेलकम टू द विलेज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। तो आज हम आ चुके हैं इस जंगल पे, देख सकते हो चारों तरफ जंगल है। तो यहाँ पे हम करेंगे आज नाइट कैंपिंग, आज रात को हम यहीं पे रुकेंगे, यहाँ पे हम टेंट लगाएंगे, एक यहाँ पे खाना बनाएंगे, यहीं पे सारी रात गुजारेंगे। तो आप देखिए आज का ब्लॉग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो गाइस अभी इस झाड़ से हमने एक बम्बू काट लिया है और यहाँ पे इसका सफाई चल रहा है, तो इसी बम्बू से बनाएंगे हम आज का तंबू। दोस्तों देख सकते हैं हम गड्ढा कर रहे हैं अभी। तो गाइस हमने यहाँ पे बम्बू को काट लिया है और एक गड्ढा भी कर लिया है, तो यहाँ पे हम बम्बू को अच्छी तरीके से लगाएंगे, इतना हाइट नहीं रखेंगे क्योंकि रात को जो है वो काफ़ी हवा चलता है, यहाँ पे चारों तरफ जंगल है, तो इसके लिए इसको थोड़ा नीचे बनाएंगे, नहीं तो इतना ठंड में रह पाना मुश्किल होगा। अभी रात भी होने को है तो जल्दी से हमको ये काम कंप्लीट करना होगा। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा तंबू का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट बन चुका है। यहाँ पे एक बम्बू लगाया है, पीछे एक है और बीच में ये लगाया है। अभी इसका ऊपर जो है वो प्लास्टिक डाल देंगे। तो गाइस सूरज ढल गया है आधा घंटा जैसा पहले, आप देख सकते हो आसमान जो है वो कितना सुंदर दिख रहा है। फिलहाल हमारा तंबू ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और अंधेरा एकदम पूरा अंधेरा हो चुका है, तो जल्दी से तंबू को फिटिंग करना है। और तो गाइस फाइनली हमारा तंबू जो है वो तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो। तो हम चार आदमी के लिए काफ़ी है, हम रात को यहीं पे रुकेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे बनाएंगे हम अपना चूल्हा, यहाँ पे खाना वगैरह पकाएंगे। तो आगे एक मार्केट है 4-5 किलोमीटर होगा, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ सब्जी वगैरह चिकन वगैरह लेके आएंगे और फिर यहाँ पे पकाते हैं। तो गाइस ये देखिए खेत के बीचों बीच ये खेत है, धान का होता है ये, तो ये काफ़ी मतलब गड्ढे जैसा होता है ये, तो इसको हम अपने टेंट में यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे हमने टेंट बनाया हुआ अभी वहाँ पे सोएंगे हम आज रात को, तो वहाँ पे ये लेके जाएंगे और वहाँ पे बिछाएंगे। तो अभी देखिए कितना मज़ा है, इसको सोने में बहुत मज़ा आएगा। इसमें गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, अभी फ़िलहाल बहुत ठंड चल रहा है, तो इसमें सोने से उतना ठंड हमें नहीं लगेगा, हम ठंड से भी बच सकते हैं। तो अभी हम चारों मिलके यहाँ से थोड़ा ज़्यादा उठा के लेके जाएंगे ताकि सोने में मज़ा आए। गाइस देखिए ये मैंने सर के ऊपर ले लिया, अब इसको अपने टेंट के उस सामने लेके जाता हूँ ताकि डर ना लगे, काफी ठंड है। तो गाइस हम मार्केट से आ चुके हैं, हमने जितना सामान चाहिए था वो हम लेके आए हैं। आज हम चिकन लाए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा सामान हो गया, हमने खेर भी लेके आ गया, तो अभी इसको टेंट के अंदर बिछाएंगे ताकि आराम से यहाँ पे सो सके। आप देखिए कितना सारा लेके आए हम, तो सोने में बहुत मज़ा आएगा। तो पहले हम इस खैर को अंदर बिछा देते हैं अच्छे से, ये काफ़ी अच्छा गड्ढे का काम करेगा, मतलब घर से ज़्यादा मज़ा आएगा यहाँ पे सोने में। तो गाइस अभी अंदर आओ, कितना अच्छा गड्ढा बना है यहाँ पे, तो एक बार सो के देखते हैं। वाह बहुत मज़ा, कभी ट्राई करो ऐसे बाहर आके। तो गाइस अभी फिलहाल गड्ढे का काम हो चुका है, तो अभी हमें पानी लेके आना है, लकड़ी भी हम ला चुके हैं यहाँ पे, तो अभी दो लोग जाएगा यहाँ से पानी लाने के लिए और उसके बाद खाना बनाने। तो गाइस अभी हमारा बाकी सब इंतजाम हो चुका है, तो अभी पानी लाने को जाते हैं, काफी दूर से हम पानी लेके आए हैं। तो गाइस यहाँ पे बनाएंगे हम अपना चूल्हा जिसमें हम चिकन को रोस्ट करेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हमने दो लकड़ी ले लिया है, अभी दोनों को इस दो साइड लगाएंगे
और यहाँ पे करेंगे हम अपना चिकन रोस्ट। जोर लगा के हैया। तो गाइस अभी ताकत दिखाएगा हमारा रतन। मैंने भी तोड़ा, रतन ने भी तोड़ा। तो गाइस यहाँ पे हम जलाएंगे अभी चूल्हा। यहाँ पे जितना लकड़ी है उतना नहीं होगा, तो रात को फिर से जाएंगे हम जंगल में, जंगल से उठा के लाएंगे कुछ लकड़ी। हमारा आग जो है वो धीरे धीरे जलना स्टार्ट कर दिया है। हम लोगों ने 2 kg मीट लेके आए हैं, अब इसको अच्छे से धो लेते हैं। तो गाइस देखिए हमने मीट को अच्छे से धो लिया, तो अभी हम ये 5 पीस का करेंगे रोस्ट, ठीक है। और जो पीस है ये सब हम लोग बोम्बो में डालेंगे, बोम्बो में डाल के पकाने वाले हैं। और अब इसको मैरिनेट करना बाकी है, मैरिनेट करते हैं अच्छे से। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा आग जो है वो अच्छी तरीके से जल चुका है। तो इस पे हम करेंगे चिकन का रोस्ट, और 2 बम्बू लेके आए हैं, वहाँ पे हम चावल भी बनाएंगे और बम्बू चिकन वो भी बनाएंगे। बाहर तो काफ़ी ठंड है लेकिन आग के वजह से ठंड जो है वो थोड़ा बहुत कम हो चुका है। यहाँ पे हम चिकन को जो है वो मैरिनेट कर रहे हैं, इसमें सभी मसाला दे दिया है, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर, इसमें थोड़ा धनिया पाउडर भी है। अभी डालेंगे इसमें थोड़ा तेल और नमक डालेंगे, तो इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लेग पीस, 5 लेग पीस है, इसको रोस्ट करेंगे और कुछ पीसेस भी रोस्ट करेंगे। और उसके बाद जितना भी रह जाएगा वो यहाँ पे आप देख सकते हो बम्बू कट के रखा है, तो ये बम्बू में बनाएंगे बम्बू चिकन। यहाँ पे देख सकते हो ये साइकिल का जो स्पोक होता है वो है, तो हम ये लेके आए हैं। तो इसमें हम करेंगे चिकन का जो लेग पीस है इसको रोस्ट करेंगे, तो इसको अच्छे से यहाँ पे लगा लेते हैं। अभी हमारा चिकन वगैरह मैरिनेट हो चुका है, और उसमें अभी निर्मल और रतन भाई सरिया में डालने का काम चालू है। तो गाइस यहाँ पे हमने चिकन को मैरिनेट करके इसको यहाँ पे लगा लिया है, तो अभी इसको आग में डालते हैं। फाइनली हमने बिठा दिया है। देखिए गाइस प्याज काट रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे इतना चिकन बचा हुआ है, ये हम बम्बू में बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे डालेंगे प्याज, अदरक कूट के रखा था हमने, लहसुन और कुछ आलू है और टमाटो को फिर से थोड़ा मैरिनेट कर लेते हैं। तो इसमें डालेंगे हम लाई का पत्ता, ये तो फिलहाल डाल देते हैं इस पे। तो ये बम्बू जो है ऑलमोस्ट भर चुका है, तो इसके ऊपर हम डालेंगे कुछ धनिया का पत्ता और भी लाई पत्ती है। इससे क्या करेंगे हम इसका मुंह जो है वो अच्छे से ढक देंगे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दोनों बम्बू पे जो है चिकन को अच्छे से डाल लिया, और इसका देख सकते हो आप मुंह भी बंद कर दिया मैंने। तो अभी इसको फिलहाल इसको आग में डालना है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो एक ही चूल्हा है हमारा, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारा चिकन रोस्ट हो रहा है और राइट साइड पे हमने 2 बम्बू को बिठा दिया है इसके अंदर। तो अभी वेट करते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, तो अभी फिलहाल वेट करते हैं और बाद में आपको दिखाते हैं। ये लीजिए टमाटर, मजा रहा। बाहर काफ़ी ठंड है, वहाँ पे हमारा चिकन जो है वो रोस्ट हो चुका है, तो अभी
खाने के लिए हमें केले का पत्ता लेने जाना है। आगे एक बहुत बड़ा बगान है वो केले का, तो वहाँ पे जाएंगे और पत्ता लेके आएंगे। तो गाइस हम आ चुके हैं केले के बगान में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चारों तरफ बहुत ही सन्नाटा है। तो फिलहाल मैं 2-3 केले का पत्ता ले लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो रोस्ट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम इसको सर्व करेंगे यहाँ पे। तो गाइस ये रहा लेग पीस, बहुत गर्म है। इधर मैंने लाल मिर्चा लिया, अभी इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। मैंने मिर्चा अच्छा से रोस्ट कर लिया, अभी इसमें एक साथ डाल देंगे प्याज दो थोड़ा सा। इसको अभी हम लोग थोड़ा सा अच्छा से मैरिनेट करेंगे। नींबू का रस, चिकन जो है वो कितने अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुका है, अच्छे से भरता आप देख सकते हो। तो इसको छोटा छोटा करके इसको मिक्स करेंगे, तो जो हमने नींबू डाला है उसका टेस्ट भी अंदर तक जाएगा, इसमें एक खट्टा स्वाद आएगा जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, थोड़ा तीखा थोड़ा खट्टा। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। मेरे मुंह में भी। अंधेरी रात को सुनसान जंगल में हम लोगों ने चिकन पार्टी का इंतजाम किया है। तो हमारा अभी चिकन रोस्ट और बीन सलाद रेडी हो चुका है। तो हम खाने से पहले सबसे पहले हम देंगे भूत को थोड़ा सा खाने के लिए। ये ले लिया मैंने थोड़ा सा चिकन, ये ले लिया थोड़ा सा ग्रीन सलाद, अभी मैं दे के आऊँगा। तो गाइस ये मैं जंगल के पास रखा और मैं भागा। तो गाइस यहाँ पे आलू और टमाटर जो है वो हम जला रहे हैं, इसका चटनी बनाएंगे। और यहाँ पे बम्बू जो है वो जल रहा है अच्छे तरीके से। इसमें थोड़ा दिक्कत है, ये जो है जब हमने काटा था तो थोड़ा फट गया था, आप यहाँ से देख सकते हो। तो इसका ग्रेवी जो है थोड़ा बहुत लीक कर रहा है, तो इसको ऐसे ही रखने देंगे, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए पूरा लीक हो रहा है, तो ये बनेगा लेकिन इसका ग्रेवी जो है वो हम नहीं खा पाएंगे। तो गाइस हमारा चिकन रोस्ट रेडी हो चुका है और दोस्त लोगों ने उसको खाने के लिए ले लिया अपना तंबू के अंदर। तो चलो दिखाते। तो दोस्तों कैसा बना हमारा? तो गाइस आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको दूसरा पार्ट देखना है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, या फिर आप हमारे चैनल पे जाके सेकंड पार्ट जो है वो देख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।